दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेश। दोस्तों आज हम बात करेंगे फूड की नई इको स्पोर्ट ऐसी वेरिएंट के बारे में, और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं आया हुआ हूं जयपुर शहर प्रताप नगर के एस फोर्ट से। हम इस वीडियो को आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आप हमें जयपुर या जयपुर के आसपास से अगर देख रहे हैं तो आप यहां पर विजिट करें। यहां आपको हितेश जी मिलेंगे जो कि आज इस वीडियो के अंदर आपको नई फोर्ड इको स्पोर्ट ऐसी वेरिएंट के बारे में तमाम सारी जानकारियां यहां पर देंगे। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हितेश जी, आप हमारे व्यूवर्स के लिए इस गाड़ी से रिलेटेड तमाम सारे जो फीचर्स हैं प्लस इसकी ऑन रोड प्राइस क्या रहेगी, इसके ऊपर अगर आपकी तरफ से कोई ऑफर दिया जा रहा है तो हर चीज़ के बारे में आप जानकारी दीजिए। बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ आपको। ये इको स्पोर्ट जो ऐसी वेरिएंट है, ये एक पहले वाली जो इको स्पोर्ट से मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा जो अलग है चेंजेस है वो मैं बताना चाहूँगा आपको। ऑलमोस्ट देखिए, अगर आप पुरानी वाली इको स्पोर्ट नई इको स्पोर्ट की बात करते तो ऑलमोस्ट सेम है भाई। आपको देखेंगे तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद DRLs के साथ में इसमें मिलते हैं सर, और इंडिकेटर विद फॉग लैंप के साथ में आपको दिए हुए। सेफ्टी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है और विजिबिलिटी लुक्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा है डिज़ाइन किया हुआ इको स्पोर्ट का सर। धीरे धीरे मैं बताना चाह रहा था आपको, जो ऊपर सनरूफ भी आप इसमें देखना चाह रहे हैं तो सनरूफ भी इसमें ऐड किया हुआ है सर, और आउटसाइड जो मिरर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है, प्लस फोल्डिंग के साथ में आपको इसमें मिरर भी दिया हुआ है। और विंड स्क्रीन देखें तो काफ़ी लार्ज है इसकी, तो विजिबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है। फ्रंट ड्राइविंग करते हैं अपन तो सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, प्लस विजिबिलिटी अच्छी है, सेफ्टी भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा सर। और जो आउटसाइड जो मिरर्स देख रहे हैं सर, ये काफ़ी डिफरेंस है इसमें। ऑटोमेटिक आप फोल्डेबल कर सकते हो, क्लोज और ओपन है, और इसमें रिमोट के साथ भी आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हो, तो बहुत अच्छा फीचर है सर इसमें। इसी के साथ में बहुत अच्छा और यूनिक फीचर जो प्रीमियम ब्रांड्स की कार्स में अपने को मिलता है, जैसे कि अपने कैपेसिटिव सेंसर बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना, सिर्फ चाबी आपकी पॉकेट में रहेगी, आप अपने फिंगर से इस गाड़ी को लॉक और देखिए आप देखना चाह रहे हैं जैसे अनलॉक कर सकते हैं आप, तो ये मिरर ऑटोमेटिक अनफोल्ड हो जाएगा, और अपन जैसे लॉक करोगे सेंसर से तो ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएगा। तो बहुत यूनिक चीज़ है ये, आपको बार बार में चाबी बाहर और अंदर नहीं रखनी पड़ेगी, तो सेफ रहेगी और सेफ इजीली ड्राइव कर सकते हो। जानना चाह रहा सर, बताना चाह रहा हूँ आपको थोड़ा अंदर से कुछ न्यू फीचर्स अपडेटेड किए हैं, वो भी बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। आइए सर देखते हैं इसमें जो नए अपडेटेड फीचर्स है। इसमें क्रूज कंट्रोल स्पीड लिमिटर के साथ में दिया हुआ है सर, आप देखिए। वॉइस कमांड म्यूजिक सिस्टम है इसमें, Sync 3 जिसको बोलते हैं अपन, काफ़ी यूनिक सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा फीचर है ये। बाकी वाइपर ऑटोमेटिक, हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक्स भी सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी बेटर है, ऑटोमेटिक आप ड्राइव कर सकते हो इसके अंदर। और ये ऑटो डिमिंग मिरर्स है, और आप देखना चाह रहे हैं सर इसमें सनरूफ भी बहुत अच्छा यूनिक फीचर है, तो काफ़ी अपडेटेड है। सीट्स की बात करते हो, सीट्स पे काफ़ी फैब्रिक है, तो काफ़ी लुकिंग्स के अंदर भी काफ़ी स्मार्ट है और कंफर्टेबल है, अपने हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसमें स्टेयरिंग भी टिल्ट और टेलीस्कोपिक दिया हुआ है, इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो, तो सेफ्टी के हिसाब से अपनी हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो सर। और बाकी AC ऑटोमेटिक है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, सेफ्टी फीचर्स जो आप देख रहे हैं सर इसके अंदर बहुत अच्छे यूनिक फीचर्स है सर गाड़ी के अंदर। देखिए सर, ये पहले जैसा ही दे रखा है, इसमें डिजिटल जो स्पीडोमीटर देख रहे हैं आप, ये पहले जैसा ही है, और इसके अंदर ये बूफर भी दिया हुआ है सर म्यूजिक सिस्टम, उससे साउंड थोड़ी सी और बेटर हो जाती है। और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी दिया हुआ है, थोड़ी इजी कंफर्ट ड्राइविंग रहेगी सर आपकी। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत अच्छा फीचर है सेफ्टी के हिसाब से, आप TCS है इसमें, हिल लॉन्च असिस्ट है, तो बहुत अच्छे सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हुए सर गाड़ी के अंदर। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ सर पीछे, जो इसमें एक सबसे एक एडिशनल जो चीज़ डाली है, जो पीछे व्हील हटाया गया है वो दिखाना चाह रहा हूँ सर मैं आपको। एक्चुअली फोर्ड जो कंपनी है सर, नॉर्थ अमेरिकन कंपनी है, ग्लोबल कार है सर हमारी ये, तो आप देख रहे हैं सर इसका बेनिफिट ये मिलेगा, जो पीछे स्पेयर व्हील हटाया इससे क्या होगा, जिसको कंजेस्टेड पार्किंग के अंदर आप इसको इजीली पार्क कर सकते हो सर। सेफ्टी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है, पार्किंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, आप ये देख रहे हो इसमें व्हील। बताना चाह रहा हूँ सर, जैसे इंटेलिजेंट डिफोगर वाइपर पोशर आपको मिलता है, बहुत स्मार्ट और यूनिक फीचर है ये भी। इंटेलिजेंट डिफोगर है क्योंकि ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है आफ्टर 14 मिनट्स के अंदर, जो हर कार में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ देखना चाह रहे हैं सर आप, कैमरा भी आपको दिया हुआ है इसके अंदर, जो पीछे रियर विजिबिलिटी के हिसाब से पार्किंग के हिसाब से बहुत अच्छा फीचर है। पार्किंग सेंसर आप देख रहे हैं सर इसमें, सेफ्टी के हिसाब से इजीली पार्क कर सकते हो आप, तो बहुत अच्छे फीचर्स है सर इसके अंदर। बाकी मैं एक बार आप चाहो बूट स्पेस और दिखाता हूँ मैं आपको गाड़ी का। ये देखिए सर, 352 लीटर का बूट स्पेस है इस गाड़ी के अंदर, जो एक 5 सीटर कार के हिसाब से बहुत अच्छा और स्पेशियस है। देखिए यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है पर्टिकुलर, यहाँ पर पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है या स्टेपनी चेंज करना तो वो इजी है काफ़ी, आप इजीली 5 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी को रिपेयर कर सकते हैं। पंचर अपने को बहुत अच्छा है, फीचर है सर ये भी एक। दोस्तों यहाँ पर पीछे की साइड में जो टायर हटाया कंपनी ने, कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की है, लेकिन आपको एक बेनिफिट का काम यहाँ पर दे दिया, मतलब बेनिफिट वाली किट दे दी है, जिससे कि अभी आपको जरूरत पड़ती है अपने टायर को पंचर को जोड़ने के लिए तो टायर इन्सुलेटर दिया है, जिससे कि हम हवा भर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हमें एक किट दी गई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन मिलता है, आप इजीली अपने पंचर को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा नए वेरिएंट के अंदर
कुछ चीज़ें हटाई हैं तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर एड ऑन भी की गई हैं। सिंपली आपको इसको लगाना है अपने टायर के अंदर और इसको सर 12 वोल्ट चार्जिंग दे रखा है सर इसके 12 वोल्ट का जो चार्जिंग है जहाँ से हम अपने फोन वगैरह को चार्ज करते हैं वहाँ पे इसको कनेक्ट करना है और आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी के अंदर हवा भर सकते हैं। तो इस तरह का है पीछे का लुक जहाँ पर कोई चेंजेस वैसे नहीं है। पीछे वाली जो सीट है इनको आप 60-40 के रेशो में टिल्ट भी कर सकते हैं जिससे कि हमारा स्पेस और बढ़ जाए और बढ़ा 60-40 फोल्ड कर सकते हैं सर अपने। ओके तो सर इसको कर देते हैं हम बंद। जी बिल्कुल सर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हितेश जी जो है हमें यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारियाँ दे रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अब हितेश जी फाइनली इस गाड़ी की जो कीमत है वो बता दीजिए आप। सर बिल्कुल ये पेट्रोल और डीजल दोनों में अवेलेबल है। पेट्रोल में 12,75,000 का ऑन रोड प्राइस है और 13,62,000 रुपये का डीजल में प्राइस इसका है सर। कोई ऑफर वगैरह? ऑफर सर अगर एक्सचेंज करते हैं तो अपन 20,000 का एक्सचेंज ऑफर, अगर फोर्ड की कार अपन एक्सचेंज करते हैं भाई कॉर्पोरेट बेनिफिट 3,000 रुपीज़ जो कॉर्पोरेट में अगर अपन आज लिस्टेड है फोर्ड में तो उसमें 3,000 आपको कॉर्पोरेट बेनिफिट। साथ ही दोस्तों अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो वो सारी की सारी समस्याओं का समाधान आपको KS फोर्ड जयपुर के अंदर मिल जाएगा। तो मुझे अगर आप जयपुर या जयपुर के आसपास से देख रहे हैं तो आप हितेश जी से जरूर मिलिएगा और मैं चाहता हूँ एक बार आप यहाँ पर आकर के विजिट करें टेस्ट ड्राइव करें। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा इस जानकारी को अपने दोस्तों में भी भेजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।